ये कि आजकल स्पिरिचुअल अब्यूज बहुत कॉमन हो गया, जिसकी वजह से हमारी यूथ दीन से दूर होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस और डिप्रेशन होते हैं। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम स्पिरिचुअल अब्यूज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टॉक्सिक स्कॉलर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसी फर्स्ट क्वेश्चन में मैं एग्जैक्ट ये आंसर दिया, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था, दे डिडंट यूज द वर्ड स्पिरिचुअल अब्यूज, व्हिच आई रियली डू नॉट नो कि आपका क्या मतलब है स्पिरिचुअल अब्यूज से, तो वो आप एक्सप्लेन कर दें स्पिरिचुअल अब्यूज क्या होती है। स्पिरिचुअल अब्यूज ये होती है कि जब हम हदीस या कुरानी आयत के जरिए से किसी को ब्लैकमेल करते हैं ना। मसलन को मिसाल दें। मिसाल जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे नमाज नहीं पढ़ते और हम कहते हैं नहीं तुम जहन्नम में जाओगे, अल्लाह ताला सख्त नाराज हो जाएंगे। कोई और मिसाल दें। इसके अलावा मुझे तो नहीं मालूम, शायद आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैं तो एक्सप्लेन अभी तो मैं बिल्कुल भी मैं से बेहतर आप एक्सप्लेन करेंगे। आपके जहन का कॉन्सेप्ट है नमाज नहीं पढ़ता कोई तो हम कहेंगे नमाज नहीं पढ़ोगे तो जन्नत में जाओगे, दिस इज व्हाट यू थिंक स्पिरिचुअल अब्यूसेस। नहीं, इसके अलावा भी जब स्कॉलर्स फॉर एग्जांपल नेगेटिव तरीके से जबरदस्ती कराते हैं ना इस तरह से, या मदरसों में भी जो हाल होता है ये भी स्पिरिचुअल अब्यूज में आता है। फॉर एग्जांपल जो ज्यादती होते हैं बच्चों के साथ, मतलब साइकोलॉजी की डिस्पोजिशन नेगेटिव रखी हुई है उन्होंने, अजाब 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 लगे रहते हैं वो। यस फॉर एग्जांपल, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई हदीस शेयर करते हैं किसी और अपनी जबरदस्ती या नार्सिसिस्टिक एक करते हैं वो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाले लोग ठीक करते हैं, जितनी उनकी अकल है वो ही करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि हदीस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है तो फिर आपके लिए वो इन कॉन्टेक्स्ट है। आपका नाम क्या? यास्मीन। यास्मीन, यास्मीन, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको लेक्चर देने के लिए एक स्कॉलर ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हदीस पेश की है या आयत, तो वो आपके ऊपर पूरा इतलाक करती है। समझ रहे हैं जी? इसकी कोई शॉर्ट वीडियो ना बना देना प्लीज, जो भी सुन रहे हैं अभी। मैं खाली इट्स आई एम बिल्डिंग अप टुवर्ड्स इट बिकॉज़ शी इज गोना आंसर दिस। जी यास्मीन, व्हाई डू यू थिंक वो आपके लिए इन कॉन्टेक्स्ट है? ये नहीं पता। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिस, अगर आपको नहीं पता कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, तो आपका इल्म बिल्कुल जीरो है, इसका मतलब है उस टॉपिक पे। यस, हो सकता है। नहीं तो वरना आपको पता होता ना कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मेबी नो, नॉट मेबी, डेफिनेटली। आपको अगर एक बंदा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हदीस सुना के या आयत सुना के कि यहां पे तो ये चीज गलत है, तो और अगले को पता ही ना हो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो इसका मतलब है कि he does not know the context of the hadith या आयत ना। जी, so if he doesn't know, तो जिस बंदे के पास एक आयत है उसने उस मौके के ऊपर आपको सुना दी है, then the person who did not read about this sort of a situation और उसके context का नहीं पता किया था, तो then he deserves कि उस पर ऐसा ही कोड़ा पड़े किसी जाहिल का जिसने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हदीस में, वो जाहिल है, आपने आपके इस सिनेरियो में तो वो बंदा जाहिल है जिसने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हदीस या आयत लगा दी ब्लैकमेल करने के लिए, वो जाहिल है, मानता हूं आपकी इस कहानी में वो ऑन मेरिट जाहिल है, मगर एक बंदा उससे भी नीचे का जाहिल है जिसको यही नहीं पता कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो सही पिटाई हो रही ना उसकी। फिल्म कसूर उसका नहीं है जिसने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हदीस सुनाई है, कसूर उसका है कि इसने खुद अपने आप को जहालत में रखा हुआ है और वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हदीसों के माहिरीन के ताबे आया हुआ है। तो ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, वो यूटिलाइज कर रहे हैं जहालत को।
समझ रहे हैं? जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, वो अजाब अजाब, वो एक अलग क्वेश्चन है, वो वाकई में ऐसे नहीं करना चाहिए इस्लाम में। बच्चों के साथ सिर्फ पॉजिटिव साइकोलॉजी होनी चाहिए। ये वाला जो सवाल है, ये तो मैं पूरी तरीके से मैं उस जाहिल के साथ, दोनों में से अगर चूज करना पड़े, आज स्टैंड में दैट गाय, क्या यू नो व्हाट, एटलीस्ट एक आयत तो आती, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज करता मैं, एक आयत तक तो मेहनत कर रहा है, वो तो इतना बंदा जाहिल है, उसने आयत पढ़नी नहीं, हदीस पढ़नी नहीं, तो उसको तो पिटाई करो फिर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोड़े मारो। सही है, मतलब अच्छी बात नहीं है, मतलब बनती है। क्या ख्याल है आपका यासमीन? हो सकता नहीं, आपका क्वेश्चन है, आपने तो कहा कहानी ऐसी है, हो सकता है नहीं, आपने कहा ये है कहानी, आप ये नहीं कहेंगे हाँ कहानी ऐसी हो सकती है, नहीं आपने तो सुनाई है मुझे कहानी, ठीक है। अगर इस कहानी में दो फरीक हैं, एक जिसको एक ही आयत आती है और वो बीवी को या शोहर को उसी से कोड़ा मारी जाता है, तू तो जन्म में ये देख अल्लाह ने कहा, हालांकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आयत है, और दूसरा जिसको यही नहीं पता कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो फिर कौन ठीक है इनमें से और कौन बेहतर है? जासमीन कौन बेहतर है, सच सच बताएं, कौन बेहतर है? वो जो कह रहा है वो समझ आ रही है। या इसका मतलब है कि ये वर्चुअल सिग्नलिंग बोलते हैं, वर्चुअल सिग्नलिंग होती है साइकोलॉजी में, मजलूम होने को अल्लाह ताला का कोई खास बरकत समझ लेते हैं, आदमी भी औरत भी, कि हम बच जाएंगे क्योंकि हम तो मजलूम है, इतनी मजलूम होने पर क्यों बचेंगे? ये कौन सा इस्लाम है जिसमें मजलूम बच जाता है? मुझे भी समझाएं जरा, मजलूम अपनी जहालत की वजह से कभी भी नहीं बचा इस्लाम में, ना कुरान में, ना हदीस में, ना सीरा में। जाहिल बंदा, अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में बता रहे हैं कि ये बंदा, कुरान पाक में क्या आयत है, जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं, जैसा कि इनकी मिसाल कैसी, अल्लाह ने क्या कहा, जैसे एक अंधा और देखने वाला, और फिर अंधे के साथ क्या होगा, वो खड्डे में गिरेगा, खाई में गिरेगा ही गिरेगा। तो ये खाई में जब गिर रहे हैं तो कसूर इनका है ना, फिज आ गया है तो इनका कसूर है ना, इनके ऊपर एक आयत का हाफिज आ गया, जो एक ही आयत सुनाई जाता है और मारी जाता है। सो इट इज नॉट द ब्लैकमेल दैट दैट पर्सन इज डूइंग, इट इज द ब्लैकमेल यू आर डूइंग टू योर किड्स एंड योरसेल्फ्स, कि दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द अदर गाय, नो दिस इज योर प्रॉब्लम, यू नीड टू फॉलो सॉल्व। क्या इसका आंसर क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है यास्मीन? इसका सोल्यूशन है इकरा, आप खुद पढ़ाई करेंगे और बताएंगे अबू जी, अम्मी जी, शोहर जी, बेगम जी, ये जो आपने अभी आयत सुनाई है, इससे पीछे एक और आयत है और उससे पीछे एक और भी आयत है, तीनों को मिला के अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की सीरा से सबूत हो गया इन आयात का, या सहाबा ने यह बताया, या हदीस क्लियर है, ये इनके मतलब असल में कुछ और हैं, एक्चुअली में इनका इतलाक आपके ऊपर ही होता है, आपने आखिरी आयत निकाल के मेरे ऊपर इतलाक कर दिया है, तो मसला असल में आपके साथ है। सो जो आपने मुझे सजा दी है उसका कफारा भी दें, अदरवाइज वही वाली सजा मेरे से लें, ताकि एक और आयत का इतलाक आप पे हो जाए कि इंसाफ पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आप नहीं कर सकते एज मुस्लिम्स, तो फिर सही पिटाई हो रही है हमारी, बिल्कुल सही पिटाई हो रही है हमारी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पिटाई तब तक गलत है जब तक आपको कॉन्टेक्स्ट खुद नहीं पता, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज यू नो इन कॉन्टेक्स्ट नाउ, योर क्वेश्चन आई ट्राई टू पुट द कॉन्टेक्स्ट इन द क्वेश्चन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आई होप यू गॉट दैट, एंड आई नो इट हर्ट्स अ लिटिल, बट इट शुड हर्ट, it should hurt a little, because it's going to hurt a lot more when one ayat hafiz is going to come on top of us, okay.